आई एम काशिफ खान और आज हम स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हैं। आज हम एक्टिविल सिरप के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिविल सिरप क्या है, इसकी डोजेज क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम इधर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी ऑनलाइन का जो ये चैनल है आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है इसकी वीडियोस को और इसको इसका बेल आइकन दबाएं ताकि इसके नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। आई होप यू विल डू इट। अच्छा जी, ये जो एक्टिडिल सिरप है इसका जो फार्मूला है वो है ट्राइब्रोलिडीन HCl, ठीक है। अब ट्राइब्रोलिडीन आप लोगों ने ओवर द काउंटर एंटी एलर्जिक मेडिकेशन के बारे में सुना होगा। ओवर द काउंटर हमारे साथ वो मेडिकेशन होते हैं जो आपको किसी भी काउंटर पे इजीली अवेलेबल होते हैं और उसको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। सो ये एक्टिडिल जो सिरप है ये उन्हीं मेडिकेशन में हमारे साथ आती है। अच्छा जी, जो ये इनकी जो इंडिकेशंस है हम कब इसको यूज करेंगे, इंडिकेशन मतलब यूसेज। सो इनको हम यूज करते हैं इन एलर्जिक जो हमारे साथ प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जब कभी भी हमें एलर्जी हो जाती है। सो हम बच्चों में जो एलर्जी होती है सो हम उसके लिए ये मेडिकेशन यूज करते हैं। एक्टिडिल एक्चुअली क्या है, ये हिस्टामिन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है और हिस्टामिन हमारे साथ तब प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में जब हमें किसी न किसी लिहाज से इन्फ्लेमेशन होता है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सो उन्हीं हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ये हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोक देती है और जब हिस्टामिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में तो आप में एलर्जी के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो ज्यादातर हमारे साथ जो बच्चे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, उनको किसी चीज से एलर्जी हो जाती है और उनमें राइनाइटिस के जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, लाइक रनी नोज हो गया, लाइक इची आईज होंगे, इस तरह के सिम्टम्स उनमें अफियर हो जाते हैं। और फिर उसको हम रिलीफ देने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक ओवर द काउंटर मेडिकेशन को हम यूज करते हैं ताकि सेफ भी हो, बच्चों को नुकसान भी ना पहुंचाए और उनके सिम्टम्स को इजीली रिलीफ भी पहुंचाए। अच्छा जी, कब कब हमारे साथ ये कंट्रा इंडिकेटेड होगी, सो हर वो बच्चा जो ट्राइप्रोलिडीन को एलर्जिक हो या हाइपर सेंसिटिव हो हम उन बच्चों को ये नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपने पहली दफा किसी बच्चे को ट्राइप्रोलिडीन या एक्टिडिल सिरप पिलाया और उस पे गैर जरूरी जो अलामत है वो अपियर हो गए तो फिर आपने उसको ये सिरप नहीं लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट वो क्या होंगे, वो हमारे साथ ये हो सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है, बच्चा सो जाता है, इसके साथ साथ स्किन रैशेस, स्किन पे छोटे छोटे से रैशेस निकल जाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ इरिटेशन, बच्चे जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट है इस सिरप के। लेकिन ये बहुत कम हालात में आते हैं, जब कभी भी ये एडवर्स इफेक्ट आ जाए तो फिर आपने बच्चे को ये सिरप नहीं देना है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविल सिरप है ये हमारे साथ 20 ml का सिरप आता है और ये आपने क्या करना है, किसी भी बच्चे को जिसका एज हमारे साथ 2 माह से लेकर 2 साल तक हो उसके लिए आपने 1/4 एक चम्मच को 4 हिस्सों में डिवाइड करके वो आपने क्या करना है देना है। लेट सपोज उसका एज 2 से 5 साल तक है तो फिर आपने हाफ स्पून देना है, जो टी स्पून है उसका हाफ आपने उस बच्चे को देना है। अगर किसी बच्चे का एज 6 साल से लेकर 12 साल तक है तो फिर आपने उसको 1 चाय का चम्मच देना है और अगर लेट सपोज बच्चा 12 साल से बड़ा है तो फिर आपने उसको 2 चाय के चम्मचे आपने उसको देने हैं। इसी डोजेज में आप किसी बच्चे को ये सिरप पिलाएंगे तो आपके बीच बच्चे को एंटी एलर्जिक सिम्टम्स एलर्जिक सिम्टम्स से रिलीफ हासिल होगा और ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन साबित होगी। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। लेट सपोज कोई मुश्किल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।